नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों में कच्ची हल्दी मार्केट में बहुत मिलती है, इसकी सब्जी भी बनती है और इसका अचार भी। तो आज हम इसका अचार बनाएंगे, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये एक पाव हल्दी ली है, उसे मैंने छील कर अच्छे से धोकर और इस तरह बारीक पीसेस में काट के कपड़े के ऊपर रख के पंखे में सुखा लिया एक डेढ़ घंटे के लिए, आप धूप में ना सुखाएं। और ये दो छोटी चम्मच मैंने दरदरी पिसी हुई मेथी ली है, आप साबुत भी ले सकते हैं, और चार छोटी चम्मच सौंफ ली है, तो इसे भी मैंने दरदरी कूट लिया है। और एक चम्मच मिर्च पाउडर है और एक चम्मच नमक है। तो इसमें हम एक आधी चम्मच हींग डालेंगे, आप ये सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसमें बहुत कम मसाले लगेंगे। तो देखिए, एक बर्तन में मैंने ये एक पाव लगभग तेल को गरम कर लिया, सरसों का तेल है ये, तो इसे अच्छे से गरम कर लें। और गरम करने के बाद इसमें हम छोटी चम्मच हींग की डालेंगे और इसी में हम हल्दी डाल देंगे। यहाँ गैस को ऑन रखना है, बंद नहीं करना है अभी। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम हल्दी को कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा बस कुक करना है उसे। और अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे, सौंफ डालेंगे, मेथी डालेंगे। तो इनको आप बिल्कुल पाउडर भी कर सकते हैं या फिर पूरा साबुत भी ले सकते हैं, आपके अपने टेस्ट पर है। नमक डालेंगे और मिर्च डालेंगे, बस इतने से ही मसाले इसमें डालते हैं। तो ये देखिए, जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे एक बर्तन में डाल लीजिए, और अगर तेल कम लगे तो ऊपर से और तेल डाल सकते हैं। तो इस तरह से इजीली ये तैयार है अचार, इसको 7-8 दिन आप धूप दिखाइए। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बस आप 5-6 दिन धूप में रखें, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो तेल से अच्छे से इसे कवर कर दें, तो ये बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी हो जाएगा आपका, और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा पूरे 1 साल तक।